राधा वल्लभ राधावल्लभ राधाल्लभ श्रीहरिवन् राधाल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्रीहरिवन्श तवैव तवेपदारविन्द न्द प्रेमाैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्ताम् निर्वापय परम शीतल माश्रयामि निर्वापय परम शीतल राधा 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 राधा, राधा 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 no चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर हृदय की प्यास भगवत साक्षात्कार से ही पूरी होगी त्रिभुवन का कोई भी पद कोई भी विद्या कोई भी संपत्ति हमारी इस प्यास को नहीं बुझा सकता जब तक ये प्यास बुझेगी नहीं तो जन्म जन्मांतर भटकना मिटेगा नहीं अच्छे से समझ लीजिए हम सबका एक ही विश्राम स्थल है प्रभु की प्राप्ति जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये भागना नहीं मिटेगा भागते रहो प्यास बुझाने के लिए कभी जनेन्द्री कभी रसेंद्री कभी नेत्रेंद्री कभी घ्राणेन्द्री कभी त्वेंद्री मन के साथ ही इंद्रिया भागती चली जा रही विषयों में अनंत जन्म बतीत तो हो गए पर प्यास नहीं बुझी ये प्रेम पिपाशा है हम जान नहीं पा रहे ये जो हमारी प्यास है ये भोग पिपाशा नहीं है ये प्रेम पिपाशा है और प्रेमी युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के शिवा कहीं बुझने वाली नहीं प्यास चाहे जितना प्रयास करके देख लो आपके अंदर अभाव बना ही रहेगा जब तक अभाव है तो अशांति बनी रहेगी अशांति है तो सुख कहाँ अशांत कुतः सुखम जब अभाव नष्ट हो तब हृदय शांत हो शांत हृदय में ही सुख का स्रोत खुलता है अभी जो कुछ थोड़ा सा भी आनंद अनुभूति होती है तो पांच कोश हैं उनके अंतर्गत होती है मनोमय में, विज्ञान में कोश आनंद में कोश ये जो आनंद में कोश से आनंद की अनुभूति हो रही है स्थाई नहीं है एक बार भगवदानंद की स्फूर्ति होगी तो पांचों कोशों का बाध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा हमारी प्यास जहां से बुझनी हम वहां से विमुखता धारण कर रहे हैं और जहां बुझनी नहीं उधर हम भागते चले जा रहे हैं दृष्टि विचार और करण सब दूषित हो गए हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं जी ने करुणा करके तुम्हें अवसर दिया है ये धाम बहुत पावर है इसमें बहुत अपार सामर्थ्य है जैसे कोई समुद्र को घड़े में बंद नहीं कर सकता ऐसे ही कोई अपनी वाणी को संपूर्ण वृंदावन की महिमा से युक्त नहीं कर सकता इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो भी कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य अपार महिमा है धाम की और हमें धाम का सानिध्य मिला यहां आने को मिला भले ही आप कुछ घंटे के लिए ही आए हैं पर श्रीजी ने पास कर दिया आपको श्री जी ने कृपा दृष्टि की लौकिक किसी आप अन्य देश में जाना चाहे तो आपको पास चाहिए वहां का बीजा चाहिए तब वहां आप प्रवेश पाएंगे जब लौकिक की बात है तो अलौकिक चिदानंद धाम है श्री राधिका कृपा बिन शब के मनन अगम्य मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन वाणी से नहीं बोल सकते वृंदावन बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन आने को मिला वृंदावन बिहारी जी के दर्शन मिले वृंदावन की रज में बैठकर प्रभु की चर्चा सुनने को मिली अब कृपा को ठुकराइएगा नहीं ये जो कृपा हुई है इसको सार्थक कर लीजिएगा श्रीपाद कह रहे हैं यत्कारुण्यमगण्यमेव सुसुखं नास्तेव यस्मात्परं निर्मर्याद्विचित्रशक्तिसहजात् खेलञ्च वृन्दावनं तद्राधा करुणा कटाक्ष कटाक्ष रहिते किंचित करे नहीं तद तो मात्र विरहा तीव्राति भार स्थित करुणा कटाक्ष हो गया है स्वामी जी का जिनकी करुणा दृष्टि चाहते हैं स्वयं करुणा समुद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जो पता नहीं कैसे रीझ गए श्री जी अपने चरणों की शरणागति दे दे अपने धाम का आश्रय वास यद अपनी महिमा नाम महिमा हृदय में प्रकाशित की, अपार करुणा स्वामी जी की हम सब पे है देखो ना आपका कौन सा ऐसा साधन बल है जिसके बल से आप यहां बैठे हैं? विश्वास कीजिए दुर्गति का कार्य खत्म हो चुका है अब आपके ऊपर दुर्गति लागू नहीं हो सकती यदि आप कृपा का अवहेलना अपमान न करें तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है एक बार जो वृंदावन आ गया एक बार सत्संग सुन लिया प्यारी जू जू का हृदय से एक बार भाव कि आप मेरे हो दुर्गति खत्म हो गई उसकी विश्वास कीजिए यदि कहीं सत्संग के वचनों का मनन करके उस पे आचरण में उतार ले तो शरीर रहते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम हो गया कोई बंधन नहीं अब कोई आकांक्षा नहीं सच्ची मानिए श्री जी बहुत करुणामयी है लाडलीजू बहुत और सामर्थ जितनी देवी शक्तियां हैं सब एक अंश से प्रकाशित है लाडलीजू के एक अंश से इनकी नखचंद्र छटा का तेज ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है श्री स्वामिनी जी को जान पाना बुद्धिगत बात नहीं है स्वामिनी जी के लाड़ली लालजू को तो वेद नेत नेति कहते हैं फिर लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन जू इनका परिचय कौन जब तक ये ना जना में तब तक कोई जान ही नहीं सकता श्रीपाद कह रहे हैं कि स्वामिनी जू की करुणा अनंत है करुणा एक धारा है राधा किशोरी की करुणा एक धारा है जैसे प्रबल प्रवाह उमड़ता है तो फिर सामने क्या है ये नहीं देखा जाता सब तोड़ फोड़ के बहाते हुए अपनी धारा में ले जाते हैं ऐसे हम कामी है, क्रोधी है, 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 हैं क्रोधी हैं लोभी हैं मोही हैं नीच हैं हैं हेतु की करुणा की धारा श्री स्वामी जी की प्रवाहित हो गई है अब वो सब ये तोड़कर बहाकर हमें निश्चित भगवत प्रेम में डुबो देगी ये छोटी मोटी धारा नहीं है कि कोई बांध आ जाए तो रुक जाए ये अनंत करुणा की धारा है ये प्रवाहित करके ही आपको मानेगी जहां भी हो जैसे भी हो यदि श्री जी की करुणा का आश्रय हो गया है राधा नाम जपते हो राधा किशोरी स्वामी जी के चरणों का आश्रय लेते हो तो ये अबाध धारा है कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती ये निश्चित महाप्रेम समुद्र में जाके मिला देगी बस विश्वास तो वर्तमान में तुम्हारा चिंतन सुधर जाएगा यदि इस बात पर विश्वास कर लोगे तो श्रीपाद कह रहे हैं कि करुणा की अनंत धारा अनंत ये सुनने में बहुत सहज लग रहा है अनंत करुणा स्वामी की है हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर सकती अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं चिदृशनमी वृंदावनमी मंदावतापेक्ष अथवा किमिद चित्रम शंख पीतो ही भाति पितृदृश स्पष्ट ये वही वृंदावन है जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है पर हमारी दृष्टि दूषित हो गई है जैसे पीलिया का रोग हो जाए तो श्वेत शंख भी पीला ही नजर आता है ऐसे ही मायाकृत दृष्टि होने के कारण चिदानंद वृंदावन हमें माया में दिखाई देता है वृंदावन में ही चिदानंद है हमारी दृष्टि खराब हो गई है उसी को ठीक करने के लिए श्रीजी ने व्यवस्था भी की है धाम का आश्रय धाम का सत्संग नाम जब गलत आचरणों का त्याग इसी से हमारी दृष्टि पावन होगी तो हमारे ऊपर अनंत कृपा श्री जी की है यह स्वीकार करने से बहुत लाभ होता है देखो हम लोग कितने निकृष्ट हैं कि कदम कदम पे श्री जी की कृपा हमें संभाल रही है संभाली पर हम कभी उसे याद करके रोते नहीं है कि श्री जी हम पर कितनी कृपा कितना दुलार किया है हमें कितना कठोर हृदय है स्वामी जी ने हमें वृंदावन दिया राधा नाम दिया जपने का समय दिया इससे बढ़कर और क्या दे सकते हैं रुपया पैसा भोग सामग्री तो पापियों के पास भी है पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज ये अगर आपको भजन का समय दे दिया है तो इनसे कुछ मत मांगना इनके पास कुछ नहीं है अब इतनी कीमती वस्तु दे दी भगवान ने भजन करने का समय दे दिया नहीं भगवान की अचिंत्य माया शक्ति भजन करने ही नहीं देती ऐसा फसाए रहती है कि प्रभु का चिंतन ही ना हो पावे पर कितनी करुणा भजन का हमें समय दिया अब हमें यह विश्वास कर लेना है कि जो हमें मार्ग मिला है इसी में हमारी प्यास बुझेगी और कहीं नहीं सच्ची कहते हैं निंदा स्तुति की बात नहीं है बीसों वर्ष हो जाते हैं चित्त का समाधान नहीं होता है बातें तो ऊंचाई की होती हैं और जब स्थिति देखा जाता है तो अपने लोगों की बहुत नीची गिरी स्थिति होती है तो क्या हलवा की बात कर लेने से आपको हलवा की पुष्टता का अनुभव हो जाएगा क्या आपको पूरी प्रक्रिया मालूम है कि हलवा कैसे बनाया जाता है तो एक बार बना के तो पाइए ना तब तो पता चलेगा कि प्रक्रिया याद कर ली और दूसरों को सुना दी उससे हलवा का स्वाद ना आ जाएगा ना सुनने वाले के आएगा ना आपके आएगा अगर आप पाए हैं तो समझ में आ जाएगा बातें चाहे जितनी ऊंची करो टिकोगे नहीं वहां टिकोगे वहीं स्थिति जहां है पांच मिनट वार्ता में लिखा जा सकता है उसकी स्थिति कहाँ है चाहे जितनी ऊंचाई से बात शुरू करे उसका विश्राम वही होगा जहां उसकी स्थिति है अपने आप ये अचिंत शक्ति के द्वारा होता है तुम्हारा छल टिकेगा नहीं जहां आप वार्ता करोगे तो बस पांच मिनट आपको बोलने दिया जाए पांच मिनट में ही आपकी स्थिति पता चल जाएगी कि बोल कुछ और रहे हो स्थिति आपकी कुछ और है क्यों धोखा कर रहे हो अपनी अपने साथ क्यों धोखा कर रहे हो जिस महान स्थिति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है जिस महान स्थिति को प्रदान करने के लिए संयोगी बना है वो तुम्हारे लिए है उसमें नाटक करने की जरूरत नहीं है सच्चाई से चलो तो स्थिति तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी जो तुम्हें मार्ग मिला है इससे अधिक सुख कहीं नहीं है जब सुख का तारतम्य शास्त्रों में, में देखा गया एक बार वर्णन हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट स्वस्थ शरीर सुंदरियां उनकी सेवा में सारे रत्नों का स्वामी और पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला उसे एक मानुष सुख कहते हैं ऐसे क्रम से वर्णन हुआ था कुछ मानुष सुख से बढ़कर ना गंधर्व गंधर्व सुख से फिर जो देवता बनते हैं देवताओं से भी जो नित्य देवता है फिर उनसे भी प्रजापति प्रजापति से परमेष्ठी पद और ब्रह्मा जी से शास्त्रो गुणा सुख मोक्ष पद पर स्थित महापुरुष को जीवन मुक्त महापुरुष को होता है और उस जीवन मुक्त महापुरुष के आगे सत्रह शून्य गुणा किए जाए तो बोले जो सुख होता है वो प्रिया प्रीतम के चरणार सुख होता है इसलिए कह रहे कह रहे कि जो सुख का मार्ग तुम्हें मिला है इससे बढ़कर सुख कहीं नहीं है वैसे भी जो विषयानंद का पूर्णतया त्यागी होता है और शास्त्र ज्ञान संपन्न होता है वही शांतानंद को प्राप्त होता है जिसे रस कहते हैं फिर इस रस से भी बढ़ करके अद्भुत सुख प्रदान करने वाला दास्य सुख है सुख से भी बढ़कर के सख्य से भी चरम सीमा का सुख कामता भाव है। और भी सहचरी सुख है तो जो तुम्हें यहां सुख का मार्ग मिला इससे बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है और कोई सुख नहीं है विश्वास करो खड़े हुई इतनी ऊंचाई पर और चाह रहे हो नीच भोगों में सुख तो ये अवहेलना हुई ना अनादर हुआ ना आप अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं जो लाडली जू ने कृपा की है ये वृंदावन जिनका है ना वो असीम शक्तियों के स्वामी हैं देख लो निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा सीमा नहीं है कि इतनी शक्ति है असीम शक्ति और वृंदावन उनको अपने अधीन किए हैं प्रिया प्रीतम को वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति एक कदम भी वृंदावन से बाहर हमारे स्वामी युगल सरकार नहीं जाते हैं जब कभी किसी भक्त को दर्शन देंगे तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा फिर उसमें प्रिया प्रीतम प्रकाशित होंगे निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा खेलंच वृंदावनम वो यहां खेल रहे हैं जैसे किसी को लगता है कि तो कर कमल में मुरली धारण किए अत्यंत सुकुमार लाडले और लाडली जो नीलकमल धारण किए अत्यंत सुकुमारी अतिशुकुमारी, लाडली पी किशोर सुकुमार तो जितने दिव्यास्त्र हैं ये सब इनके चरण चिन्हों में विराजमान हैं, जहां भगवान सुदर्शन चक्र कर कमल में धारण करते हैं वो सुदर्शन चक्र लाडली जो के चरण चिन्हों में है ऐसा कोई न समझे कि बहुत सुकुमारी प्यारी जो हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगी जितना वैभव ऐश्वर्य अनंत शक्तियां श्री जी के गोरे चरण अरविंद में है निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा यहां अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है खेल वृंदावनम, ऐसे असीम सामर्थ्य वाले प्रभु युगल सरकार श्यामा श्याम यहां खेल रहे हैं तद राधा करुणा कटाक्ष स्वामिनी जी की करुणा कटाक्ष आप पर हुई है तभी आप यहां बैठे हैं राधा कृपा कटाक्ष हो गया फिर भी आप विचलित है अरे भगवान शिव चाहते हैं राधा कृपा कटाक्ष बड़े बड़े महापुरुष चाहते हैं राधा कृपा कटाक्ष और आपको प्राप्त हो गया क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा त नहीं की हो वृंदावन में तबे तो रहन पाई है सोए यहां आना यहां रहना यह सत्संग सुनना राधा राधा जपना ये राधा कृपा कटाक्ष का, का स्वरूप है पर अत्यंत तुच्छ सुखों के लिए हम इसका त्याग कर देते हैं बहुत घाटे का सौदा है ये बहुत बड़ा भ्रम है बहुत बड़ा भ्रम है एक तरफ श्री जी की करुणा कृपा और श्रीजी और एक तरफ विषय आकर्षण दुख क्लेश अशांति वाला तो हम हाथ बढ़ा देते हैं विषय आकर्षण की तरफ और पीठ कर लेते हैं श्री जी की तरफ अज्ञानता की हद हो गई एक तरफ जीवन मुक्तता है एक तरफ घोर बंधन है एक तरफ परमानंद है एक तरफ घोर दुख अशांति है हद हो गई अज्ञानता की कि हम हाथ इधर ही पसारते हैं इधर नहीं और प्यास इधर की है इधर कभी बुझ नहीं सकती जैसे ओस चाटने से प्यास कभी नहीं बुझ सकती ऐसे ही आप कितना धन एकत्रित कर लो कितना भोग भोग लो आपको कभी शांति और तृप्ति नहीं हो सकती अभी शांति जानते ही नहीं हो अभी आनंद का परिचय ही नहीं मिले हृदय फट जाए यदि आचार्य कृपा ना हो तो हृदय फट जाए आनंद से फट जाए हृदय आनंद की ऐसी बाढ़ आती है अभी उस आनंद का किनका भी नहीं इसीलिए विशेष सुख का आकर्षण होता है ये सब व्यर्थ की जो बुद्धि की तर्कनाएं हैं ये उसी समय शांत हो जाएंगी जिस समय आनंद का स्पर्श होगा श्री राधा कृपा कटाक्ष फिर मैं सोचता हूं कि मेरी दशा ऐसी क्यों है जब मेरे ऊपर श्री जी का इतना कृपा कटाक्ष है तो फिर मेरी दशा ऐसी क्यों है क्योंकि हम उस कृपा कटाक्ष का, का आदर नहीं करते जब श्री जी हमें इतना दुलार करते हैं, तो उनके शिवा फिर हमारा चिंतन नहीं हटना चाहिए उनके शिवा और कहीं चिंतन नहीं जाना चाहिए जिभ्या पे राधा राधा अरे कब जीवन की शाम हो जाए कुछ पता नहीं आप लोग पता नहीं किस बल पर बेपरवाह है आपको विरह नहीं सता रहा आपका हृदय नहीं जल रहा श्री जी के लिए आप चैन से खा रहे हैं सो रहे हैं खेल रहे हैं आपको यह नहीं लग रहा कि पता नहीं कब श्वास रुक जाए और हमारा काम नहीं बना ये हृदय में जलन नहीं आ रही दुख की तो आप कोई परवाह मत करो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो इस मार्ग में कदम रखते हैं आप आत्माओं को तो अवसर ही नहीं मिलता प्रभु देते भी हैं अवसर तो टुकड़ा देते हैं जो इस मार्ग का पथिक है प्रियालाल के प्रेम रसा का रसास्वादन करने वाला चाहे जितनी भी पीड़ा हो मन में भी हो व्यथा संकट पर संकट भी आवे टूटे नहीं भजन का ताल समझ लो भाई यह है मार्ग यह राधा कृपा कटाक्ष गुरुदेव श्री जी श्री जी गुरुदेव कृपा कटाक्ष हो गया अवैसी हिम्मत धारण करनी पड़ेगी आपको ये बैठा लीजिए अगर प्रेम प्राप्त करना है भगवत प्राप्ति करनी है प्यास बुझानी है तो ये हिम्मत ये धैर्य धारण करना पड़ेगा चाहे जितनी भी पीड़ा हो मन में भी हो व्यथा अपार संकट पर संकट भी आवे टूटे नहीं भजन का तार पग पग पर कष्ट घेर रहे हैं राधा 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 पार करते चले जाओ घबड़ाना मत हर शूल इस मार्ग के पथिक के चरणों का फूल बन जाता है दूर से दिखाई देगा शूल और जब चरण रखोगे तो बन जाएगा फूल डरना नहीं बस डरना नहीं और माया के मार्ग में हर शूल फूल नजर आता है फूल समझ करके रखा तो फंस गया ऐसा शूल चुभा कि आह भी नहीं बोल पाता बहुत धैर्यपूर्वक कितना भी संकट पे संकट परिस्थितियों नाम नहीं छूटना चाहिए देख लो हृदय में देख लो यहां जरा सी बात आई तो भजन छूट जाता है अरे जब शरीर ही छूटना है शरीर ही छूट जाएगा तो इससे बड़ा दुख और क्या आएगा और वो हमने पहले निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी इसका मतलब देह राग पहले ही हम मिटा रहे हैं फिर घबड़ाना क्या ज़्यादा सा कष्ट आया भजन छूट गया हाय हाय करने लगे देहोपि ममता भाग चेत्र हृष् नात्मवत प्रिय यद्यपि देहस्मिन जीविताशा बलि यशी तुम जानते हो तुम जीना क्यों चाहते हो जीना क्यों चाहते हो इसलिए जीना चाहते हो हर कष्ट सह कर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इसलिए जीना चाहते हो तुम क्योंकि तुम्हें प्रभु से अपनापन नहीं हुआ शरीर से अपनापन है हर बुरी स्थिति में ही लगता है मैं जीवित बना रहा हूं जीवित का मतलब शरीर से राग बना रहे शरीर से राग खत्म हो जाए तो ये शरीर का छोड़ना जैसे सांप के चुल छोड़ता है कोई कष्ट नहीं होता ऐसे होता है सबसे ज्यादा प्रिय है अपनी आत्मा वो अपनी आत्मा है प्रियालाल आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद संकटों पर विपत्तियों पर दुख दुख पर इतना प्रभावित ना हो जाओ कि तुम्हारा भजन छूट जाए आखिरी जन्म वाले के लिए बात करें तुम्हें संसार की बाजार फैलानी तो फैलाइए अगर समेट करके अपने घर चलना है तो ये बात घर चलने वालों के लिए है समेट लो समेटे सो आसिक फैले सो जमाना फैलोगे तो जन्म जन्मांतर फैलते ही रहोगे समिट जाओ क्या आप चाहे कदम कदम पे संकट और विपत्ति हो हमारे भजन का तार नहीं टूटेगा जीत गए आप पकड़ के देखो भजन क्या ऐसा भजन पकड़ रहे हो रोज सत्संग सुनते हैं जरा सा कोई मान अपमान की बात आवे निंदा स्तुति की बात आवे भूल गए प्रभु को छूट गया नाम थोड़ा सा सुखद भोग सामग्री छूट गए प्रभु नहीं भाई बहुत घाटे का सौदा अनंत कृपा की धारा श्री जी ने प्रवाहित कर दी है अब हमको पहुंचना ही है श्री जी तक तो हर कदम में हमें संभालते रहना कि हमारा भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा यही प्रार्थना है प्रभु तुम पर ही है मेरा भार अपार छूटे नाते रिश्ते सारे छूटे कुल छूटे परिवार सब छूटे तो छूटे प्रभुवर तुम न छोड़ना प्राणाधार नहीं चाहिए धन या वैभो नहीं चाहिए पद अधिकार यही चाह है पाऊ प्रभुवर सदा तुम्हारा अनुपम प्यार संकट पर संकट भी आवे पर टूटे नहीं भजन का तार सार बात हे प्रभु आपसे यही प्रार्थना है चाहे जितनी व्यथा की दुख की परिस्थिति हो जब मैंने अपने जीवन का भार आपको दे दिया है तो अब मुझे अपने दुख पर विचार करने का अधिकार नहीं रह गया है ए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए जैसे मकान हमने दूसरे के नाम कर दिया वो क्या व्यवहार उस मकान में करता है हमारा अधिकार नहीं तो हम शरणागत हैं हमारा शरीर हमारा हृदय ये प्रभु के हवाले है यदि वो चाहते हैं कि पग पग पर इसे दुख मिले तो फिर हमारा विचार करने का अधिकार ही नहीं रह गया है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है देखो अगर चलना है प्रभु के पास तो यह सिद्धांत है क्यों में करके संसार में फंसना है तो आप देख लीजिए तुम पर हमारा सारा भार समर्पित हो गया है और सच्ची मानिए बहुत बड़ा कृपा विधान हो रहा है आपको लगता है दुख क्यों दे रहे हैं प्रभु दुख नहीं दे रहे हिसाब बहुत कम में निपटा रहे हैं क्योंकि सिद्धांत है ना तो भगवान भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते तो जहां हमें सैकड़ों हजारों जन्म सड़ना था वहां कुछ घंटे मिनट में भगवा कर आगे और आगे बढ़ो और इसी जन्म में परम पद प्रदान कर देते हैं जीवन मुक्त अवस्था प्रदान तो हम ऐसे भगवान के विधान को न जानने के कारण कोशने लगते हैं कि भगवान ऐसा दुख क्यों दे रहे हैं भगवत प्राप्ति करनी है तो नाता केवल इन्हीं से रहना प्रभु से अगर आप थोड़ा सा चाह कीजिए तो से संभाल वो देंगे कोई यहां किसी से प्यार नहीं करता कोई नहीं करता भूल में मत रहना आपको लगता है कि वो आपके लिए प्यार करते सच्चाई से आप जिस दिन देखेंगे तो प्रभु के शिवा कोई प्यार नहीं करता सब धोखा है आपको समझ में नहीं आता तो ये दृष्टि है प्रभु के शिवा कोई तुम्हें प्यार नहीं करता तुम जो औरों को माने हुए हो प्यार करने वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनता है कोई यहाँ मां के रूप में वही प्यार कर रहे हैं पत्नी के रूप में वही प्यार कर रहे हैं पति के रूप में वही प्यार कर रहे हैं ये जान जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे अन्यथा कहीं नहीं तांडो मचा हुआ है स्वार्थ का प्यार प्रेम ये इसकी परिभाषा ही नहीं समझ में आई कि प्रेम कहते किसे हैं प्रेम किसे कहते जानते हो अपने प्यारे को सुख देने का नाम प्रेम है प्यारा कौन है तुम्हारे सामने शरीर तुम जानते हो शरीर के अंदर जो विराजमान तत्व है जो वास्तविक प्यारा है उसको तुम जानते हो नहीं तो बिन जाने न हो प्रती बिन प्रती तो हो नहीं प्रीति झूठा तो है ही तुम्हारा प्यार जिससे प्यार कर रहे वो तुम्हारे सामने शरीर है शरीर में जो अंतर में विराजमान परमात्मा उसको तो, तो तुम जानते ही नहीं हो तो झूठा नहीं प्यार तुम्हारा तो कहां से सच्चा हो गया प्यार तो सच्चा तब जब जानो जिससे प्यार करते हो जिससे प्यार करते हो उस क्या जाना स्त्री शरीर जाना पुरुष शरीर जाना बालक जाना बूढ़ा जाना अंदर बैठा हुआ जो नित्य विनाशी परमात्मा वो प्यार रूप है उसको जाना क्या बोले नहीं तो झूठा तो है ही ना सत्य कहां तुम्हारा प्यार रहा सत्य को जाना क्या नहीं जाना छोड़ा नाते रिश्ते सारे छूटे कुल छूटे परिवार इतना अपार सुख है इस बात में आप उसे समझ नहीं पाएंगे गोपीजन कहती है प्रभु से कि आप तो कह दिए कि हां ठीक है वृंदावन की शोभा देख ली आए हमको भी देख लिया तो चर अचर सबको हमारा रूप अच्छा लगता है आपने देख अब आप वापस जाओ कैसे जाऊं क्योंकि आपके सिवा कोई है नहीं और मेरे मन को आपने बलात् लिया है तो जाए भी शरीर तो करे क्या करे और आप वापस करो मन इनको वापस करना आता नहीं है इनको छोड़ना आता नहीं है इनका स्वभाव है एक बार जिसको पकड़ लेते अगर इनका ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी भगवत प्राप्ति ही नहीं कर पाते भगवान के शि दुरंत माया है कि क्षण छण, छण में आकर्षित करती रहती है पर इनका स्वभाव एक बार जिसको पकड़ लिया ये छोड़ते नहीं पार कर देते हैं निहाल कर देते हैं गोपीजन कहते वापस करो हमारा मन और अगर आप इतने पे भी नहीं समझते तो आगे का जो शब्द था आप जानते हैं सारे संबंध आपके चरणों में है ये जीवन आपके चरणों अभी आपके सामने इस शरीर को भस्म कर दूंगी गोपीजन अभी इस शरीर को तिनके की तरह नष्ट कर दूंगी मैंने आपसे प्यार किया है ये भगवान इसलिए बोल रहे थे कि हमारे रास में प्रवेश पाने का ऐसा जन अधिकारी होता है कोई रिश्ता नहीं कोई सुख नहीं कोई मांग नहीं कोई चाह नहीं केवल कृष्ण केवल कृष्ण तब वो चिदानंद रास में प्रवेश पाए हमारे जब तक हृदय में अन्य संबंध अन्य भावनाएं अन्य कोई अपना है तब तक ये छुपे रहते हैं नहीं दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है ये ऐसे उदार हैं ये खेलते रहते हैं साथ ये प्रेमीजन ही जानते हैं दूसरे नहीं जब तक तुम्हारा इस संसार में कोई और है प्रभु के सिवा तब तक तुम्हें याचना करनी पड़ेगी दर्शन दे दो ये कर दो वो कर दो और जिस दिन तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा केवल एक इन्हीं से संबंध तो फिर भी नहीं जाने वाले ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं। सब छूटे पर हे स्वामी तुम तो मेरे प्राणाधार हो ये बात कभी ना छूटे आपकी शिवा कोई नहीं ये अंदर से देखो अंदर से देखो नहीं चाहिए मुझे आपके इस माया का धन वैभव पद नहीं चाहिए कोई अधिकार बस एक चाह आपके अनुपम प्यार में मैं डूबा रहा हूं तो देखो कबीर दास जी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे लागो हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर यदि मन निर्मल हो गया है कोई संबंध किसी से नहीं एकमात्र प्रभु से तो जैसे गाय रंभाती हुई बछड़े के पीछे दौड़ती ऐसे हरी प्यार करते हैं भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछरास अरे हम उनके हैं वो जो भी हैं उनके हम हैं उनके सिवा और किसी को मान रखा है इसीलिए हमारी दृष्टि में वो नहीं आ रहे नहीं ऐसा नहीं वो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए दो मिनट दर्शन दिए चले प्रेमी है प्रभु प्रेमी है। कबीर दास कह रहे कबीरा मन निर्मल भया जय गंगा नीर तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर अगर तुम हरि हरि जप रहे हो तो हरि तुम्हें जप रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे हरि डोल रहे हैं अनुब्रजा में हम नित्यम पूरे उत्यम गुरे उ जो प्रभु ने हम पर कृपा की है उस कृपा का आदर जब हमारी ऐसी निष्ठा हो जाती है कि चाहे जितना कष्ट हो दुख हो मेरे हरि का ये दुलार है और हम नाम जब नहीं छोड़ते तो अंतर में एक दशा प्रकट होती है वो बातों से नहीं होती बातन प्रीति न होए सखीरी ये कैसे शब्दों की ताकत ही नहीं कि वो बात जो बताना चाहे वो बता सके क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप इसमें ज्यादा प्रपंच नहीं है ये ज्यादा दिमागी सिस्टम लगाने वाला नहीं है ये बलिदान होने वाला है तो ऐसे कूद गए देखा नहीं कि परिणाम क्या होगा कूद गए नाम निरंतर जपते हुए पूरे जीवन को भगवान के भरोसे क्यों म्यों सब खत्म तो अंतर उदेग दाह स्थिति आई है भारी से भारी कष्ट में भी निरंतर नाम जप कर रहा है तो अंतर उदेग दाह आखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजनी दहन है अगर पानी गिरे तो आग शांत होती है ना पर ये अटपटी बात है कि जैसे जैसे आग बढ़ती है वैसे वैसे अशुभ प्रवाह होता है और जैसे जैसे अशुभ प्रवाह होती वैसे वैसे और आग बढ़ती चली जा रही अहो भाग्य धन्याति धन्य जीवन जो गोविंद के लिए रुनावे प्रभु के प्रभु मेरे हैं प्यारी जो मेरी हैं ऐसी बात बस ये अनंत जन्मों के समस्त साधनाओं का फल मानो प्राप्त हो गया कि एकांत में बैठकर नाम उच्चारण करते हुए आपको रोना आवे प्रभु के लिए ये ये जीवन का लाभ है इस ये परम सिद्धि है ये सब मायाकृत है और जितनी सिद्धियां हैं सब मायाकृत है हृदय में पता नहीं क्या हो रहा है एक पीड़ा से हो रही है एक अद्भुत आनंद की ऐठन सी हो रही हरि के स्मरण में ऐसी स्थिति में सामने होते हरि उनका जो महामाधुर्य स्वरूप है आनंद समुद्र जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत वो स्वरूप वो सौंदर्य सामने उनके होता है देखी अटपटी चाह भीजन दान है सोई बो न बो जहाँ ज्ञान मार्ग की वृत्तियों में पाया गया न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है एक तुरी अवस्था है एक उन्मनी अवस्था है तो प्रेमियों की बड़ी दिव्य अवस्था होती है बोले सोई बो न जागिबो हो न रोई बो हो खोए खोए आप ही में चेतक लहन है न जग रहा है न सो रहा है न स्वप्न अवस्था है न जागृत है न सुषुप्ति है न हंसना है न रोना है पता नहीं क्या हो रहा है हंसना किसी विषय को लेकर रोना किसी विषय कुछ है ही नहीं वो क्यों हंस रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं वो क्यों रो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है बोले पता नहीं चेतक सा जादू सा उसके ऊपर हो गया है कि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है न जगना है न सोना है न स्वप्न है न हंसना है न रोना है और सब कुछ हो रहा है अखियां रूप के रंग रंगी निरख स्वरूप कुमारी राधे को न सोई न जगी ये स्थिति न सोई न जगी अखिया रूप के रंग रंगी जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन बिरह विवश दशा मुहकुलों कहनी है प्राण प्यारे आनंद घन यही प्रकाशित हो गए तो ये दशा आ गई कि न हंस रहा है न बोल रहा है न जग रहा है न सो रहा है अर्थात सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा उससे जैसे ज्ञान की विशिष्ट भूमिका में पहुंचा हुआ महापुरुष खाता पीता हंसता चलता सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है कुछ नहीं करता और सब कुछ हो रहा है ऐसे प्रेम की उत्तम भूमिका में आनंद घन प्रभुष के हृदय में बैठे कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कभी आपको जगता दिखाई दे रहा है कभी सोता पर न जगता है ना सोता है ना हंसता है न स्वप्न में होता है वो एक अलौकिक आनंद दशा होती है जीवन मरण बहुत ऊंची बात है जीवन मरण मरण जीव मीच बिना बनो आए हाय कौन बिधिरची ने ही की रहन है जिसको जीवन कहते हो तो मर चुका है ये जो जीवन है ना खान पान हंसना खेलना देख ये तो मर गया कब मर गया जब प्रेम मार्ग में कदम रखा जाता है ना उसी में भस्म हो जाता है चढ़ के मैं तुरंग पे चली वो पावक माए प्रेम पंथत कठिन है सबको मर गया हो तो फिर भी जीवित है जीवित ऐसे है कि हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है पर उससे कुछ नहीं हो रहा वह आनंदगन प्रभु में स्थित है बोले ऐसी स्थिति आकर के हृदय में विराजमान हो गई कि उसका वर्णन ही नहीं कह सकते ये जाको लह कछु लहन की चाह नहीं में होए जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो यह है प्रेम स्थिति जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता हमारी चित्तवृत्ति जब तक प्रभु में इस कोट से नहीं लगती तब तक ये प्रेम का रंग हृदय में प्रकाशित नहीं होता प्रेम एक बहुत बड़ा नशा है जिसके हृदय में एक बार एक प्याला पीले प्रेम का तो पूरे जीवन भर ये नशा नहीं उतरता जीवन के बाद भी नहीं उतरता एक बहुत मादक वस्तु प्रेम है बहुत मधुर आशव है आशो जिससे लोग मदिरा पीते उन्मत्त हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पड़े हैं कहाँ खड़े हैं कैसे ऐसे ही भागवत में वर्णन है कि उसके वस्त्र हैं कि नहीं है उसको कोई शुद्ध नहीं रहती ऐसी मादकता उसके अंदर भगवदानंद की चढ़ती है ये प्रेम एक आशव है प्रेम आशो ऐसी छकन होती है, ऐसी उन्मत्तता होती है एक प्याला तो बहुत बड़ी बात है एक बूंद भी आ जाए हृदय में दशा बदल जाए जब महाप्रभु चैतन्य देव के गंभीरा दशा का, तो हृदय फट जाए दशा सुन के फट जाए महाप्रभु चैतन्य देव के यहां रक्त श्राव होता है। ऐसे दीवाल में ऐसे नाक रगड़ते ऐसे, ऐसे जब आदि जो निरंग सेवी वो सावधान होकर प्रभु क्या कर रहे हैं ये खून से लत तब कहते बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं वो बुला रहे हैं मैं दरवाजा बना रहा हूं ऐसे श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान मान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य दे दी भगवत अभी अपने लोग कहलाते हैं प्रभु के लेकिन अभी प्रभु के हुए नहीं प्रभु के हो जाने पर फिर और कोई चाह नहीं जैसे अमृत पीने के बाद कुछ पीने की चाह होती है क्या जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि एक मृदु और शीतल विशाल जलाशय के प्राप्त होने पर फिर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती ऐसे गोविंद के चरणारविंद का आश्रय उनके चरणों का भक्ति प्रेम फिर और कुछ याद आवे हमारा मन नहीं लगता ये वो ये सब बहुत नीचे स्तर की बातें हैं ये ऐसा आशव है देखो स्वयं भगवान है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव गंगा स्नान के लिए जब निकलते तो जितने वयो वृद्ध वैष्णव जन को भी। सबके चरणों में लुट जाते और कहते श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो सब वैष्णो जन की कैसा निमाई का स्वभाव है सबके चरण पड़ते ऐसा ही नहीं की कि केवल उपदेश तृणादपि सुनी नहीं सबके चरण पड़ते मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए हम लोगों की दशा कहाँ है हम अपने को संत समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं अपने को ज्ञानी समझते हैं और जो वास्तविक बड़े हैं साक्षात प्रभु ही तो है ना कैसे कैसे आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं सबसे मानते हैं कोई भी वैष्णव दिखाई दे उसकी चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया मस्त हो गया उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है शब्दों को देखो हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं जहां बड़े से बड़े सहन का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है उस मार्ग के पथिक हैं कोई चिंता कोई शोक ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं नहीं फटक पाते हैं वो मस्त रहता है आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है प्रभु के साथ खेलता है बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक तो आते फिर यहां से लौट के भागते ऐसे बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते बाहर से देखने में लगता बावरे कैसे बावरे हैं दौड़ रहे हैं प्रलाप कर रहे हैं नाराज हो रहे हैं सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही है लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव दे होते हैं बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पावे ऐसे जो महान भागवतिक पुरुष होते इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता चाहे वो ब्रह्म सुख मोक्ष सुख जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं ध्यान दो उल्टा हो गया पहले क्या था उमादार जो की किनाई सब नचावत राम गोसाई अब उल्टा क्या हो गया प्रेम के हाथ बिक जाने वाले प्रभु उस भक्त के हाथ की कठपुतली है जहां चाहे जैसे चाहे वहां प्रभु को प्रकाशित कर दे जहां चाहे घोर पापात्मा सामने है अगर उसका भाव बन जाए तो प्रभु को वहां हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा क्योंकि भगवान उसके हाथ की कठपुतली है पर उसका हृदय ही नहीं रह जाता है हृदय ही प्रभु बन जाते हैं इसलिए उसका कोई संकल्प ही नहीं होता है अनादि अनंत असीम जिसकी महिमा है जिसे भगवान कहते हैं वो भक्त का खिलौना बन जाता है भक्त के हाथ का खिलौना बन जाता है कितना महान सुख अब वहां तक पहुंच नहीं बुद्धि की तो लगता है महान सुख का मतलब अगर अरब खरब रुपया मिल जाए ये मिल जाए क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना ही बैठा हुआ है प्रेम का जब प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले भय को भयभीत करके भगा देता है प्रेम अर्थात प्रेमी निर्भीक हो जाता है निर्भय प्रेम पहला कार्य करता है भय को भगा देता है कोई भय नहीं रहता ऐसा थोड़ी कि मृत्यु का भय या रोग का भय सब वो स्थिति होती है स्थिति वो बातों से नहीं होती है भय नाम की वस्तु सोच कितना आनंद भय नाम की वस्तु नहीं रहती और उसकी रुचि को खा जाता है प्रेम पहले सबसे क्या करता है भय भाए को भयभीत करके भगा देता है उसका हृदय निर्भय हो गया दूसरा उसकी रुचि को खा गया प्रेम अब प्रेम में रुचि हुई उसकी, उसकी कोई रुचि ही नहीं कोई चाह ही नहीं कोई इच्छा ही नहीं है ये महामहिम प्रेम का प्रभाव रुचि को खा गया तुम्हारी क्या इच्छा है इच्छा ही नहीं है कोई इच्छा ही नहीं प्रल्लाद जी से कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा है वरदान मांगो प्रहलाद जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है तो नाथ आप ये वरदान दे दो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न रहे मांगने की ये कोई वरदान प्रेम ने रुचि को ही खा लिया अब कोई रुचि ही नहीं रह गई किंतु इसमें वही जो जानबूझ करके अपने आप को स्वाहा करना चाहता है वही इस खेल में उतरता है यहाँ ये भयभीत होने वाले लोग में कि पैर रखे गर्म लगेगा तो वापस हो जाएंगे प्रेम है प्रेम के लिए नारायण अति कठिन है हरी मिलन की बाट या में पग पीछे धरे प्रथम सी दे काट यहाँ मर के चला जाता है मरना तो है ही यार। एक बार इधर आ जाओ तो अमर अविनाशी असीम सुख को प्राप्त हो जाओगे उधर तो बहुत बार मर चुके हो जब रावण ने मारीच से कहा चलो स्वर्ण का मृग बन और भगवान को मान करो तो उसने कहा तुम्हें पता है बिना फण का बाण मारा था तो सौ योजन दूर गिरा था और न जाने कितना समय लग गया पर आज तक मैं वो भूल नहीं पाया हूँ उनको मैं भ्रमित करूँगा नहीं तो उसने तलवार खींची और कहा अभी मार दूंगा तो सोचा मारा तो दोनों जगह जाऊंगा इधर ये मारेगा उधर रघुनाथ जी मारेंगे तो उभय भात देखो जब मरना तब ताकि रघुनायक उत्तम बात यही रहेगी कि जहां से मरना मिटता है वहां मरूं जाके ये मारेगा तो क्या तो काम क्रोध लोभ मोहम्मद मत्सर तो मार ही रहे हैं जो चलो इधर आते हैं थोड़ी जलन लेंगे क्योंकि इनको जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जलाएंगे पर फिर वो जलन सदा सदा के लिए शांत हो जाएगी असीम आनंद का अनुभव होगा यह प्रेम का पंथ है इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी होती अपनापन प्रभु को दे दिया वो जाने अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को ना भूले उनका चिंतन न भूले पर है बड़ी टेढ़ी खीर मानो ऐसा कि नैया भवन में फंस गई है और डांड फेंक दो देख लो प्रेम का मार्ग कैसा है कि नैया भवन में फंस गई अब तो जरूरी है डांड चलाना तो कहते फेंक दो और ऐसे हो जाओ है हिम्मत फेंक के देख लो तो बोले भंवर में नैया फंसी तो डूब नहीं जाएगी बोले भंवर ही गायब हो जाएगी भंवर ही गायब हो जाएगी फेंक के तो डांड देखे कोई और आखिरी में जो भी महान भक्त हुए हैं स्थिति यही आई है पर बहुत इसीलिए कहा टेढ़ी खीर है द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं अग्नि से पैदा हुई हैं और श्री कृष्ण की प्रिय हैं लेकिन पांडवों का भरोसा भीष्मादि का भरोसा फिर अपनी भुजाओं का भरोसा फिर दांत का भरोसा अब जब जब देखा कुछ तो ऐसे यह है डांड फेंक देना भल गया उसी समय सब कुछ संभल गया गजेंद्र पूरा ही हाथ निया लगकर सहयोग कर रहे अपना बल उनका बल जब सब खत्म हरी पूरा हरी नाम उच्चारण भी नहीं हो पाया था हरी बचा लिए थे इस मार्ग में चलने वाले को भावर में फंसी हुई नैया को गए डांड को ही फेंक दो ए, ये लो डुबो अब डुबो आप ये ऐसा ऐसा मार्ग है ये कहीं ऐसा ऐसा नहीं है कूद गए अब देख लो अग्नि भी शीतल हो जाएगी प्रहलाद जी का रोम भी भस्म नहीं हुआ एकदम आनंद एक बार तो विश्वभर भगवान को विश्वास करके अपने जीवन को अर्पित कर दो ये ककरीली पथरीली दिखाई देती है मार्ग की भूमि पर बहुत सुहावनी और मंगलमयी होती है पर इसमें कदम कोई हिम्मत वाला रख सकता है बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन मार्ग है बहुत सुहावना है उसको जो चल पड़ा इस मार्ग पे दूर से देखने वाला नहीं चल पाएगा प्रेम पंथ ये ऐसा है कि दूर से देख के नहीं चला जाता इसमें जब दूर से देखोगे तो इसमें बहुत जलन बहुत अशांति ऐसा लगेगा और जब आप इसपे चलोगे तो बहुत सुहावनी डगर है क्योंकि बहुत प्यारा प्रीतम साथ में रहता है जो प्रेम की इस वृत्ति में अपने मन को फंसाना चाहता है तो उससे पहले अपने हृदय में किसी का भी प्रेम न रह जाए ऐसा खाली करना होता है यह सहयोग प्रेमी जनों के द्वारा होता है हृदय में देखो शांत होकर कौन है तुम्हारा प्रभु जब उत्तर आए प्रभु क्या है तुम्हारे पास प्रभु अब आप प्रेम मार्ग के पथिक हो रहे हैं पर अंदर झांक के देखो ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई बल पकड़े रहता है मन इसीलिए प्रेम में नहीं डूब पाता है इस मैदान में चलने वाला चूक नहीं करता चूक क्या होती है इस मार्ग के पथिक की चूक क्या होती है बहुत अनुकूलता आई आप कोई और प्रभु की सिवा दिखाई दे रहा है उसने चूक कर दिया बहुत प्रतिकूलता आई आप मुझे बचा लो आप मेरा सहयोग कर दो गए आप प्रेम मार्ग के पथिक के चाहे भारी अनुकूलता हो या भारी प्रतिकूलता हो अपने प्रभु के सिवा दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखना देखो चलो परमार्थ में ये प्रवचन नहीं है इसीलिए रोज कहते हैं वह केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है अगर आप एक दिन का सत्संग अपने जीवन में उतार लें तो आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे बने तो रघुबरते बने बिगड़े तो भरपूर पूरे आशिक हो प्रभु के बीच में मत लड़खड़ाओ पूरा का पूरा भार उनके चरणों में दे दो फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है आपको लगता है कि प्रभु केवल नरसिंह मेहता जी के हैं प्रभु केवल मीरा जी के हैं, है? प्रभु इन बड़े बड़े भक्तों के हैं नहीं, नहीं। जितना उनसे प्यार करते उतना आपसे भी वो प्यार करते हैं पर आप जैसे मीरा जी प्रभु को प्यार करते हैं आप वैसा प्यार नहीं करते इसलिए आपके अनुभव में नहीं आते जैसा नरसी जी समर्पित हैं, वैसा तुम्हारा समर्पण नहीं है नहीं तो वो प्यार तो वैसे ही हमसे कर रहे हैं सच्ची बात मानो उनको कोई इससे भेद से नहीं कि कौन कौन वो सब मम सब मम उपजाए प्रभु कह रहे हैं पर हम उतना प्यार नहीं कर पाते हम वैसा समर्पण नहीं है इसलिए हमें लगता है कि प्रभु मीरा जी को बहुत प्यार करते थे हमें प्यार नहीं करते नहीं प्रभु हमें तो वैसे ही प्यार करते पर जैसे मीरा जी समर्पित थी वैसे हम समर्पित नहीं वैसा हमारा भाव नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नक कोई नहीं तो अभी हाहाकार मच जाए हृदय में कि इतना प्यार करने वाले प्रभु को मैं जान ही नहीं पाया कि मुझे इतना प्यार करते थे इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद में प्रभु के लिए ये जीवन हम समर्पित कर दें इस जीवन में हमारे अब दिखावा नहीं होना चाहिए नाटक नहीं होना चाहिए प्रेमी कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहता अगर बचा के रखता है तो प्रेमी नहीं है देखो प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दहेो वो देख रहा है कि जो आगे पतिंगा गया था उसके पंख जल गए वो तड़प रहा है पर वो दीपक के लो से प्यार करता है वो अपने शरीर को भस्म कर देता है जाके ये प्रेम है यहां कोई सिकवा शिकायत नहीं है अलिशुत प्रीति करी जलसुत सो संपत्ति हाथ गो भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में भी छेद कर दे और प्यार करता है कमल से उसके अंदर जाता है तो भूल जाता है अपनी सामर्थ्य को और अंदर पैक हो जाता कोमल पंखुड़ी को छेद नहीं पाता प्रेमी है ना और सामर्थ्य इतनी है कि कोरे काठ में छेद कर दे भाव क्या कि जिस प्रीतम के शरण में हम हुए हैं हम संपूर्णतया उसके अधीन हैं, किसी भी बल का अपने भान न रह जाए और प्रयोग करने की इच्छा न रह जाए उसके अंदर बल है एक सेकंड में कमल की पंखुड़ी को छेद कर बाहर निकल सकता है जब काठ में छेद कर देता है भौरा तो कमल क्या चीज है पर कमल से प्यार करता है अपना अस्तित्व समर्पित करना प्रेमी का हमारा कोई बल नहीं मेरे बल श्री वृंदावन रानी सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सहयो शिकारी वीणा का वादन करता है हिरन नजदीक आता है क्योंकि उसे वीणा ध्वनि बहुत प्रिय है वो बाण संधान करके मार देता है वो मर जाना पसंद करता है पर वो वीणा ध्वनि सुन करके ये भयभीत नहीं होते सामने बहलिया मारता है ऐसे ही अब गुरु की वाणी रूपी ध्वनि सुनकर चल पड़े हैं भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्रेम के लिए अब छाती में सीधे वार सहेंगे पीठ में नहीं अब पीठ घुमा के वापस नहीं जाएंगे ए इसमें वार होता ही नहीं है इसमें प्यार ही प्यार होता है पर लगता है की वार होता है तो हिम्मत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर उनका नाम जप करना गुणगान करना उनके कुछ ना हो तो आपको अंतिम बात बता रहे हैं हृदय की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल हृदय में हमारे प्रभु एक बात को कभी नहीं टाल पाएंगे मैं आपका हूं जैसा भी हूं इसी से आपकी वो आध्यात्मिक उन्नति होगी जो पढ़ लिख के और साधना से भी नहीं होती ऐसे हो जाओ इसमें कोई पैसा नहीं लगता कई बार कहा सत्य वस्तु पैसे से खरीदी नहीं जा सकती सत्य वस्तु का मोल तुम्हारे पास केवल श्वासें हैं श्वासें है, यही दे दो हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी ये हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं बहुत माया का आकर्षण है प्रतिपल चंचलता मन की है इंद्रियां वर्ष में नहीं है सहयोग बाहरी है नहीं जो हमें भगवत प्राप्ति का सहयोग मिले जिधर देखो भगवत विमुख करने वाला सहयोग है तो हृदय से आप केवल हृदय से हे श्यामा श्याम मैं आपकी शरण में हूँ हे श्यामा श्याम मैं जैसा हूँ आपका हूँ इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी अंतिम में कोई कितना भी बड़ा भजन आनंदी है अगर ये बात तुम्हारे अभी आ जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब सुधरे आज कोई राम हे श्यामा श्याम मैं आपका हूं प्रभु का आश्रय लेकर जितना प्रयास हो सके कुमार्गामी वृत्तियों से हटाओ अपने मन को और नाम जप में लगाओ भगवत लीला कथा श्रवण करो भगवत लीला कथा गायन करो रोज की रोज हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है डरो इस बात से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहां यहाँ प्रतिपल दिखाई दे रहा है हर कदम उसके नजदीक आ रहे हैं हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं हमारा शरीर छुन जाएगा हमारे सारी साधन सामग्री छिन जाएगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा इसलिए आश्रित नाम जब लीला कथा श्रवण और हर समय ध्यान रखो तुम्हारे कदम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं मृत्यु हर कदम तुम्हारे को नजदीक आते दबोचने के लिए तैयार है कोई सेकेंड ऐसा हो सकता है जिस समय जीवन लीला समाप्त हो जाए उसके पहले हमें अपनी दृढ़ता भगवद आश्रय पुष्ट कर लेना है शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल की